नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग पे। और आप जानते हैं कि हम लोग इस समय हरिद्वार में हैं और आपको आज हर की पौड़ी से अलग कहीं और के गंगा जी के दर्शन कराएंगे। अब देखिए इस खूबसूरत मंदिर को जो मौजूद है भारत माता मंदिर के रास्ते में। ये देखिए विशाल नटराज जी यहाँ पर उपस्थित है, दर्शन कीजिए। और ये भव्य सा मंदिर है भारत माता मंदिर, और अब हम जा रहे हैं इसके अंदर और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं भारत माता मंदिर के अंदर। और ये खूबसूरत सा है फाउंटेन, लेकिन अभी ये बंद है। कोई बात नहीं, जो जो चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। आइए चलिए। इससे पहले यहाँ पे जूते चप्पल उतारने होते, हम लोग जा रहे हैं अंदर। लिफ्ट सेवा सहयोग राशि 5 रुपये प्रति व्यक्ति, तो लिफ्ट के बिना तो ऊपर जाना हम लोग थक जाएंगे, इसलिए हम लोग जाएंगे लिफ्ट। लिफ्ट के लिए कुछ आपको ऐसी रसीद लेनी पड़ती है, फिर आप आइए देखिए यहाँ पे लाइन लगी है। ये लाइन हम लोगों को लिफ्ट तक ले जाएगी और उसके बाद ये शुरू होगा। और यहाँ पे एक स्टॉल है, तब तक देखिए हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें आपको यहाँ पे अंदर मिल जाएगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी माता जी, भारत माता। और हम लोग लग गए हैं इस समय लाइन में, आपको लाइन दिखाते हैं। ये देखिए लाइन बहुत लंबी लाइन है, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन हम लोग लगे हैं। और अपनी बारी आने के बाद हम लोग लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और फिर आपको दर्शन कराएंगे। और हम लोग जाने ऊपर विश्व मंदिर। ये देखिए हमारे पीछे माता जी, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर जी भगवान जी हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत, हमारे चारों तरफ यहाँ भगवान ही भगवान है, भगवान श्री राम है। बहुत सुंदर मंदिर है, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ओ भैया इधर कीजिए ना, हमारे ग्रीन ग्रीन भगवान। ये देखिए देखते जाइए, और ऐसे ही हर खंड पे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ लोग आते लिफ्ट से ऊपर है और जीने से नीचे उतरते उतरते दर्शन करते हैं। ये कल तो हम लोगों का पूरा हो गया, अब हम लोग चलते हैं नीचे, इसके नीचे वाली, क्योंकि हम लोग सबसे ऊपरी वाली मंजिल में। देखिए यहाँ पे वो छत्र दिख रहा है और यहाँ से गंगा जी का अनुपम सा नज़ारा देख सकते हैं आप। इस मंजिल पे आने के बाद यहाँ पर आपको खासी भीड़ देखने को मिलेगी, कई लोग हैं यहाँ पे मौजूद। ये देखिए ये मंदिर, हम लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे। देखिए हम लोग इसके नीचे ही जाएंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता जाऊंगा, आप लोग इसे पॉज कर करके देख सकते हैं। भारत का एक अकेला मंदिर ऐसा है जो पूरे भारत की संस्कृति को एक ही छत के नीचे आपको दिखाते हैं का मौका देखता है। बहुत सुंदर, बहुत अलौकिक। ये पूज्य स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी जी हैं, उनको प्रणाम करिए। आप पास कर करके देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये पूरा हॉल है बड़ा सा, और यहाँ वो जो मैं आपको अभी तक दिखा रहा था तस्वीरें, यहाँ कॉरिडोर में पूरी तरह से सजाई गई। तीसरा खंड संतों को दर्शाया गया है, महान संत बुद्ध भगवान।
देखिए महाघेर स्वामी जी, देखिए संत तुलसीदास जी हैं और इनके बगल में ये हैं नरसी मेहता जी और ये हैं चैतन्य महाप्रभु। सभी का दर्शन आप करते जाइए, अब इससे सहज और इससे सुविधाजनक चीज कुछ भी नहीं, ना ट्रेन की खचखच सहनी है और ना ही आपको घर के बाहर निकलना है, सब चीज़ जगह के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए की गई है मेहनत सफल तभी होगी जब आप इस वीडियो पर अपनी छाप छोड़ेंगे। श्री आप लोग माइंड लग रही है श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन करिए, श्री मध्वाचार्य जी और इधर रामानुजाचार्य जी, देखिए ये भी भारतवर्ष में एक बहुत बड़े संत हैं। श्री गोविंद सिंह जी और यही है वो बाज जिसको लेकर कहते थे चिड़ियों से मैं बाज लड़ूं पा मैं गुरु गोविंद सिंह कहना। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता, दर्शन करिए परशुराम जी, समर्थ गुरु रामदास जी। गलती के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मेकअप पूरा वैसा ही है इसलिए मैंने परशुराम जी बता दिया। सरस्वती हमारे शहर में महर्षि अरविंद जी और उनके साथ श्री गुप्पी पटेल, माँ शारदा मणि और श्री रामकृष्ण परमहंस जी, दर्शन करिए महर्षि वेद व्यास जी, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। दर्शन एक छत के नीचे संभव नहीं है लेकिन इस असंभव काम को संभव कर दिखाए। देखिए इस हॉल में, जिस हॉल में हम मौजूद हैं, करीब करीब भारत के सभी प्रमुख संत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वो भी एक छत के नीचे। ये काम आसान नहीं रहा होगा लेकिन इसे कर दिखाया है भारत माता मंदिर में। वाह, ऐसे तो कांच का मंदिर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए अनुपम छवि का आनंद लीजिए, देखिए श्री साईं बाबा रसखान जी, ये वो मुस्लिम है जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अनुपम गीतों की रचना की, अनुपम भजनों की रचना की, अनुपम छवि के दर्शन कीजिए। हो सका है भारत माता मंदिर, तो आप जब भी हरिद्वार आइएगा एक बार जरूर यहाँ पर आइएगा। और इधर देखिए कलाकृतियां भी बनी हैं, तुलसीदास जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, इधर भगवान विष्णु जी हैं अपने गरुड़ पर विराजमान और ये है भक्त प्रहलाद। अनुपम अभी मुझे पता चला कि ये सात खंड का है और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। अग्नि निवेदिका भारत की आजादी के कहानियों में आपने इनकी चर्चा जरूर सुनी होगी। एनी पेशेंट सती किरण देवी जी, अरे सती पद्मिनी जी, सती मदालसा जी, सती अनुसुईया जी, सती दमयंती जी, सती उर्मिला जी के दर्शन कीजिए, सती सावित्री हीरा भाई जी दर्शन कीजिए, अनुपम छवि के अहिल्याई भाई गोलकर जी, सती मैत्री मंडाल, दर्शन कीजिए अनुपम छवि के। अब हम लोग द्वितीय खंड पर दर्शन कर बाहर निकल चुके हैं और अब हम इसके बाद जा रहे हैं इसके निचले तल पर यानी खंड एक पर और शायद वहां से हम लोगों के दर्शन पूर्ण हो जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं इसके नीचे। आजादी के परवाने, इनके वजह से ये देखिए उन्नाव के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद जी, इनकी पिस्तौल और इनकी मूछें ही इनकी पहचान है। वीर शहीद भगत सिंह जी, नमन है इनको मेरा। आज काफी भीड़ है और इसी भीड़ के बीच में हम आपको दर्शन कराते हुए महारानी लक्ष्मीबाई जी के छत्रपति शिवाजी महाराज।
राजा अग्रसेन महाराणा प्रताप, हमारे प्यारे सबसे सबके प्यारे बापू जी सौ बलिराम हेडगेवार जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर परिहार, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मानव मदन मोहन पाटिल जी। और अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलना है और ये देखिए तो कर लेंगे और हम लोगों को जूते हम लोगों को मिल जाएंगे। आने वाले तीर्थ यात्री इन दुकानों से भर भर के शॉपिंग करते हैं, भर भर के शॉपिंग करते हैं और हम यात्रा पूरी कर चुके हैं और अब आगे जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अनुग्रहितोष्मी।